हमारे देश का बंटवारा हुआ था टू नेशन थ्योरी, जिसे हम द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। सावरकर जी मानते होंगे हिंदू एक राष्ट्र है, जिना मानते होंगे मुसलमान एक राष्ट्र हैं, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्र धर्म के आधार पर बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या, इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या? मतलब यह है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कई लोगों के भाषणों में, किसी नेता या मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन इनके सहयोगियों का, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बताएंगे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी नेता या नहीं, लेकिन आपके कई सहयोगियों ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं जो आज पब्लिक डोमेन में है। अरे इसमें क्या नाम नहीं लिया किसी का, मान्यवर नियमों से हटूंगा, अगली बार आप बनिएगा चेयरमैन। और इस्लामी राष्ट्र का क्या मतलब था टू नेशन थ्योरी के तहत, कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो ख्वाब मोहम्मद अली जिना का 1947 में बंटवारे के वक्त पूरा नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो, वो ख्वाब इस एनआरसी और सीएबी के आने के बाद हमारे देश की सरकार जिना का ख्वाब पूरा करने जा रही है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो सात पुश्ते यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। मंत्री जी, मान्यवर प्लीज। मान्यवर जावेद अली खान एसपी के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और कमिटमेंट है। मैं ध्रुव पर कहना चाहता हूं, और नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है, इस देश का संविधान, जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता। इसलिए ना आप भी चिंता करिए, ना दूसरों को भी चिंता कराइए। माननीय श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों का ढेर सारे सदस्यों ने उठाया, मैं सबका नाम नहीं दूंगा, शिवाजी ने उठाया, अपने सीपीआईएम के सदस्य जी ने उठाया, वाइको साहब ने उठाया, बहुत सारे। माननीय 1947 से अलग अलग समय पर श्रीलंकन नागरिकों को नागरिकता भारत की सरकार ने अलग अलग समय पर सभी दलों की सरकारों ने दी है। सबसे पहले 4,61,000 लोगों को दी गई, बाद में 94,000 परिवारों को दी गई, बाद में 1,50,000 बच्चे थे इसमें से 75,000 वहाँ वापस गए, 75,000 यहाँ दी गई, और उसमें से 2,16,000 शरणार्थी वापिस लंका भी जा चुके, अभी भी कुछ रहते। मगर मैं पहले ही कहा कि इससे ऐसा अन्याय की बात सोचने का सवाल ही नहीं है, किसी को अन्याय करने का इस सरकार का वाइको साहब आशा ही भी नहीं। जब श्रीलंकन नागरिकों को दिया तब भी ये लोगों को नहीं दिया था, जब एक समस्या को हम लेंगे तब उसको पूर्ण रूप से इसका निवारण करने का हम प्रयास करते हैं। माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा कि ये दो रूल कोट किए हैं उन्होंने, एंट्री टू पासपोर्ट एक्ट, और दो रूल कोट किए 2015 और 16 में ही, ये दोनों पासपोर्ट एक्ट और इनको बदल दिया गया। कपिल सिब्बल साहब इसके नोटिफिकेशन भी निकल चुके हैं, अब एक साथ कई कानूनों का जिक्र कर दिया आपने, 370 करा, ट्रिपल तलाक करा, आप अब सीए भी लेकर आए हो, ये सब एंटी मुस्लिम है। मान्यवर मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, ना सीए भी एंटी मुस्लिम है, ना 370 एंटी मुस्लिम है,
ना ट्रिपल तलाक एंटी मुस्लिम है। ट्रिपल तलाक इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को अधिकार देने का बिल है जो आप तक। क्या बहने माताएं बहने नागरिक नहीं है मान्यवर? माताएं बहनों का कोई अधिकार नहीं है? आज तक नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार वोट बैंक को सिरे कर रखते हुए ये माताओं बहनों को अधिकार। आर्टिकल 370 क्यों? कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं, बौद्ध नहीं रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं, इस तरह से क्यों सोचना? आर्टिकल 370 सबके लिए उठाया है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं उठाया है। और आर्टिकल 370 उठने के बाद भी आज भी कश्मीर में शांति है और सारे मुसलमान शांति के साथ हैं। मान्यवर सीएबी कैसे एंटी मुस्लिम बनेगा? मान्यवर सीएबी के अंदर कहीं पर भी किसी मुसलमान की नागरिकता को छूने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी जो वहाँ की माइनॉरिटी है उसको देने का मान्यवर सवाल है। तो मैं नहीं मानता कि सीएबी किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम हो सकता है। मान्यवर आसाम के दोनों सदस्यों ने कई सारी चिंताएं व्यक्त करी, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1985 में जो आसाम समझौता हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और वहां के आंदोलनकारियों के बीच में, इसमें जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 6 आसाम के मूल लोगों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, उनका साहित्य और चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली और स्थानीय इकाइयों की जगहों पर उनके मिनिमम रिजर्वेशन के, उनके लिए जो रिजर्वेशन चाहिए इसकी चिंता करने का एक क्लॉज 6 था। मगर अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, क्लॉज 6 पर कोई कमिटी नहीं बनी। वादा कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, मगर उसका अमल नहीं किया। जो जोर जोर से बोलते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही सरकार थी आसाम में 15 साल, आसाम के ही राज्यसभा के सदस्य देश के प्रधानमंत्री थे और आसाम में ही सरकार थी, यहां पर भी 10 साल रही, मगर क्लॉज 6 को कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया। आसाम के लोगों को सिर्फ क्लॉज 6 कागज पर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लॉज 6 के लिए आसाम के लोगों की कमेटी बनाई है और इनका रिपोर्ट आते ही आसाम समझौता का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मान्यवर मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके भाषा की भी चिंता हम करेंगे, आपके साहित्य की भी चिंता हम करेंगे, आपकी बोलियों की चिंता जो ट्राइबल की है उसकी भी चिंता हम करेंगे और आपको उचित स्थान पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले उसकी भी चिंता हम करेंगे। किसी को इस पर शंका रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर मैं अब कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि सदन से माध्यम से देश भर के जनता को और इस सदन के माध्यम आपके माध्यम से सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को कुछ वास्तविकता मालूम पड़े। हर लोग एंड हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, मैं उनको कुछ चीज़ें ये दो दिन की जो प्रक्रिया हुई उसमें समझाना चाहता हूँ। गुलाम नबी साहब ने अलग प्रकार के समझाने का प्रयास करे, पर एक अलग दृष्टिकोण भी है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक ट्रांजिट कैंप है, भट्टी माइंस, संजय कॉलोनी बस्ती। वहाँ मान्यवर साहिबा और रबे जी नाम की दो बहनें बहुत कठिनाई से भागकर यहाँ आई हैं और अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ 2013 में वो कराची से भारत आई। उनका कहना है युवा लड़कियों, जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। आज ये बिल आने के बाद अब तक हमको नागरिकता नहीं मिली थी, आज हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्योंकि ये बिल लोकसभा। मान्यवर रेफ्यूजी कैंप शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइंस में ही गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की किरण रोते रोते टीवी के सामने बोली, हम नहीं बता सकते कि हम रेफ्यूजी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं। जो पूछते थे कितने हैं, क्यों आंकड़ा नहीं आता, इनको मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं।
इसलिए हम हमारी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब ये बिल आया है तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं।